गुड मॉर्निंग गाइज और काफी टाइम बाद आप सभी का स्वागत है एक नए छुपन छुपाई के खेल में वैसे तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं मिस कर रहा था छुपन छुपाई खेल लेकिन भाई काम में इतना बिजी हो गया था कि ये सब बेचारे आते थे और डेली घर चले जाते थे पर आज तो उन्होंने जबरदस्ती पकड़ लिया बोल रहे हैं भाई या तो आज मैं इनके साथ गेम खेलूंगा या फिर भाई साहब ये मेरी बैंड बजा देंगे जैसे कि ये देखिए थ्री हेड्रेड गनमैन भाई काफी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है तो दोस्तों आज हम सब साथ में तुमको औरे, रैडल की, क्या हो गया तुझे लगता है आजकल कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहा है जो गोरा हो रहा है तू खैर छोड़ो भाई और ये देखिए ये अपना ब्लू कैमरा वो भी थ्री हेडेड फ्रेंकलन मुझे भी देख ले भाई टोनी तू तु तो क्या देखना है तू तो नॉर्मल ही है बाकी देखिए हल्क को भाई हल्क काफी गुस्से में लग रहा है हल्क को उसका बर्गर नहीं मिला इसलिए हल्का आज गेम जीत के बर्गर खाएगा और गाइज ये अपना थॉर जो थ्री हंड्रेड बन चुका है अरे क्या जरूरत थी भाई थ्री हड्रेड बनने की तुझे क्या दिक्कत है और गाइज पीछे खड़ा है फाइव हंड्रेड सन गॉड और राइट और ये है अपना हल्क बस्टर और गाइज इसके लेफ्ट में खड़ा है भाई बीबी भाई ये बेबी ब्लैक पेंथरा है बेबी वैनम है अरे मैं बेबी वैनम हाँ हाँ बेबी वैनम है ओके ओके सॉरी यहाँ भूल गया था वो बाकी गाइज़ ये है अपना बर्गर मैन वो भी थ्री हंड्रेड ऑल right. जितने भी छोटे लोग थे ये तो सबने हमने देख लिए ये बड़े लोगों में एक थ्री एडेड ब्लैक फ्रैंकलिन है और रेड शी हल्क है और भाई साहब ये क्या पिंजन भाई पड़ोसी घर पे क्यों खड़ा है ये ये भैया जगह नीचे इसलिए छिप गया मैं यहाँ पे ठीक है खैर अच्छी बात है आज कोई गॉड वॉर्ड नहीं आया मुझे तो देख लो फ्रैंकलिन मैं भी आया हूँ क्या निकलना अरे यार ये मुसीबत थी यार लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं पता नहीं कहाँ छिपते हैं फिर इनको ढूंढते डोलो खैर मेरा तो काम ही इन सभी को ढूंढा चलो 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 अब ज्यादा टाइम नहीं है तुम लोगों को है? एक मिनट अरे रुको गाइस सबसे स्पेशल चीज तो भूल ही गया मैं वो है अपना स्पेशल गिफ्ट एक मिनट भाई घर होता है मिट्टी की जमीन पर बने हुए डायमंड की जमीन पर बना हुआ घर वो भी डायमंड हाउस ओ भाई अगर ये मिल गया तो जिंदगी में कोई चाहत नहीं रहेगी मेरी लिटरली में राइट इधर क्या है इधर तो है देखो तो ओ भाई सोने का घर ये तो गोल्डन हाउस है कितना खूबसूरत लग रहा है इसके दरवाजे भी गोल्ड के ही है ओके अभी तीसरी साइड और देखना पड़ेगा मैं यहाँ पे फिर देखते हैं गाइज़ यहाँ पर क्या मिलेगा हमको दो साइड तो यहाँ पर हमें मस्त बाप रे ये वाला घर भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस नहीं है गाइस मतलब गाइस आज तो मैंने एक चीज़ कंफर्म कर ली है अपने माइंड में कि आज तो हमें घर ही मिलेगा अब चाहे वो हीरे का मिले या सोने का मिले या फिर इस तरह का लग्जरियस मैंशन मिले मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा इधर साइड तो चलो गोल्ड का ही हाउस है मतलब मस्त चलो भाई अब एक मिनट ये क्या चीज़ है ये भी कोई मिस्टीरियस का गिफ्ट है क्या हाँ रहेंगे गिफ्ट ही अंदर जाकर देखे आइए भैया अंदर जाइए अरे अंदर तो जा अरे फ्रेंकिल अंदर तो जा जाता हूं भाई आ, ये गिफ्ट है क्या अरे रहा भाई ये गिफ्ट थोड़ी है ये तो तुम लोगों ने मुझे खतरनाक खूखार जानवरों के बीच में डाल दिया है हाँ आज तू हारा तो जंगल में इससे भी खतरनाक जानवर मिलेंगे सोच क्या जानवरों के बीच मांस में डाल दिया जाएगा बिल्कुल ये महीनों से भूखे हैं भाई जंगल में महामारी हो गई है कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा है और ये सब बेचारे ठहरे मांसाहारी वाले जानवर इन सबको भाई मांस मछली खाना पसंद है ये देख भाई सबके सब भूखे प्यासे हैं सब यहाँ पर तेरी तरफ देख रहे हैं भाई ये तो जंगल का राजा शेर भी है और ब्लैक पैंथर भी है प्लीज़ oh, एनिमल्स जी अभी देखो मैं अभी हारा नहीं हूँ ओ oh, भाई ये तो जंगली पिग है सुअर है मतलब भाई काफ़ी खतरनाक लोग हैं तो मुझे आप लोग प्लीज जाने दीजिए ah, अरे भालू जी क्यों मारते हैं आप आपको तो शहद खाना पसंद है आप अच्छा मुझे यहाँ पर तुझ जैसा बेकार लोगों को पीटना ही पसंद है जो हार जाता है ले 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 अरे भाई क्या टांग उठा के मार रहा है मेरे को यार ये भालू अरे भैया छोड़ दे भालू अरे मेरी तो बैट बजा दी इसने ठीक है ओके okay भाई आज कुछ भी हो जाए दोस्तों मैं हारूंगा नहीं इन लोगों की तो मैं बैंड बजा दूंगा अरे बाप रे चलो गाइस उठ जाते हैं अच्छे खासी बैंड बज गई मेरी यहाँ पर देखिए मेरे सामने टाइटन ऑल फादर गॉड खड़ा है खैर छोड़ो ये सब लोगों को तो देख लूंगा मैं इन्होंने सही नहीं किया बोल रहे थे मेरे लिए कोई सरप्राइज सरप्राइज है 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 था था कि शौक और गई ठीक ठीक अब तुम लोगों को मैं दस सेकंड दे रहा हूँ जाके जल्दी छिपो सुनो मेरे घर के अंदर ही छिपना है मेरे घर के दूर कोई भी कहना भाई छिपेगा उसका एलिमिनेट कर दूंगा मैं ठीक है ठीक है चेबर एक से दस तक तो गिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लो भाई दस गिने ही नहीं है पहले छिप गए आज इन्होंने कोई कबाड़ा वाड़ा नहीं फैलाया मेरे घर के पास ये अच्छी बात है आज तो गाइस मुझे एक पॉजिटिव सी वाइब आ रही है कि हम इन सबको काफी जल्दी ढूंढ लेंगे काफी टाइम से गेम खेला भी तो नहीं है अरे ये किस तरह का जीप बोर्ड है और ये स्माइल बनी पड़ी है चलो अच्छा ही है यार किसी का इस स्माइल को देख के दिन अच्छा ही बन जाएगा वो भी स्माइल कर देगा है ना दोस्तों चलो मेरे गैराज के दूसरे साइड चलते हैं अरे ये क्या मजाक है यहाँ पर मैं कह रहा था इन्होंने कोई कबाड़ा नहीं फैलाया आज घर के बाहर नहीं तो अंदर कबाड़ा कर दिया यहाँ पे देखिए ये ब्रिक्स है मतलब ईटे और ये सीमेंट की है बड़ी खोखला सीमेंट है भाई ऐसी टूट फूट रहा है शायद नहीं होगी इसलिए चलो छोड़ो उधर क्या चीज़ है कुछ तो है वो जरा जाकर ओ भाई ये तो, ये तो एम्यूनेशन का चेंबर है और यहाँ पर तो भाई भरी पड़ी हैं क्या चल रहा है भाई मेरा घर कोई क्रिमिनल्स का या फिर कोई पुलिस उलिस का घर थोड़ी है जो यहाँ पर गंस गन्स भरी पड़ी है अजीब बात है ये गन्स लाया कौन होगा खैर थौर नहीं, नहीं थौर तो बिजली का इस्तेमाल करता है तो कौन पिनचैन नहीं नहीं सिंचैन नहीं नहीं सिंचैन तो आज गेम खेल ही नहीं रहा है चौब भी तो सकता है चौब भी नहीं खेल रहा गेम तो टोनी स्टॉप अरे एक मिनट हेलो ओ भाई गाइस तो हमने रेड हॉक को ढूंढ लिया जो कि ऑरेंज बना पड़ा है औरा ऊपर से ढूंढा चीटिंग की है मेरे साथ अरे अभी बताता हूं तेरे को अभी बताता हूं देख रहा चीटिंग बोल रहा भाई इतनी मेहनत से ढूंढा है मैंने तेरे को हां रुक इसको गायब करना पड़ेगा तो अभी जाके इसको हम सक्सेसफुली एलिमिनेट कर पाएंगे नहीं छोड़ दम अरे पापा लेट्स को यहां पर देखिए टाइम अभी Uh, सताईस मिनट है मतलब काफ़ी टाइम है अब जल्दी से इसको तोड़ता हूँ यार मैं अंदर आ गया यार ऊपर से कूद के अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ अभी कहीं देखो ऑलमोस्ट तीन मिनट निकल चुके हैं हमने एक बंदा ढूंढा है अगर आपको कोई कहीं मिल गया स्विमिंग पूल में तो नहीं है कोई तो गोइ गाइज प्लीज प्लीज़ जरूर से जरूर उसका नाम आप कमेंट जरूर लिखना और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना कंपलसरी है तभी आप सब मेरी टीम में आ पाओगे वरना ये चीटिंग बोल देंगे ऑल राइट मैं यहाँ आया हूँ मेरे क्लोजेट में कोई भी नहीं है इधर कॉरिडोर में देख लेते हैं कॉरिडोर में तो आजकल कोई छिप ही नहीं रहा है और मतलब आसान जगह तो कूड़ी नहीं है इन्होंने छिपने के लिए बहुत चालाक हो रहे हैं ये लोग ओके मैं देख पा रहा हूँ गाइस ये एक एलिमेंटल बॉक्स है यार ये अजीब सा एलिमेंटल बॉक्स है कुछ शाइन वाइन नहीं कर रहा इसके चारों साइड सेम कार है इसको फोड़ के देखेंगे यार कार मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा मतलब जीतने से पहले ही जीत बना लेंगे हम तो अपनी कमोन कमोन अरे ये एलिमेंटल बॉक्स नहीं है गाइस ये तो कोई लकड़ी का बोर्ड है एक मिनट कमेंट आया थ्री हेडेड गनमैन छिपा हुआ है गन्स के चेम्बर में छत पे अच्छा गाइस किस किस ने गनमैन को देखा है मेरी छत पे छिपे हुए जल्दी कमेंट में यस लिख दीजिए हट 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 जा भाई हट जा हट जा हट जा भाई चेम्बर सारे जितने भी ब्लॉक्स हटा दिए हमने अरे अरे फ्रैंकलिन यार मेरे को ढूंढ लिया लेट्स गो भाई गनमैन तुझे बड़ी खुशी थी ना गेम खेलने के लिए पकड़ा गया वन टू और थ्री ऑल राइट ऑल राइट गाइज अभी देखो साढ़े चार मिनट हो चुके हैं और चार मिनट में हमने दो बंदे ढूंढे हैं स्पीड थोड़ी सी हमारी स्लो है मैं थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी उसके बाद ही हम यहाँ पर सही तरीके से विजेता कहला पाएंगे अभी देखिए मैं वापस आ चुका हूँ और यहाँ पर चलो जल्दी चलता हूँ यार इसको तोड़ूँ कैसे मैं कुछ लेकर आऊँगा इसको तोड़ने फोड़ने के लिए समझ नहीं आ रहा गाइज अभी देखो वैसे तो पच्चीस मिनट दिख रही है यहाँ पे ऊपर लेकिन गाइज यार ये जो है मतलब मैं इसको एलिमेंटल बॉक्स समझ रहा था पर यह लकड़ी का खोखला सा बॉक्स है बट यार इसके पीछे ऐसा भी तो हो सकता है कोई छिपा हुआ हो हम्म hmm, क्या लगता है गाइस अगर आपको लगता है इसके पीछे कोई छिपा हुआ है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना और अगर आपको पता चल गया इसके पीछे कौन छिपा हुआ है तो कमेंट में उसका नाम भी ज़रूर लिखना तो उससे मेरी हेल्प हो जाएगी बाकी अभी आ चुका हूँ मैं अपने बैक में गार्डन में और यहाँ पर यार काफ़ी टाइम से मैंने घास वास की ग्रास की ना कटिंग नहीं की है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है गेम खेलने के बाद चलो इसकी भी कटिंग वटिंग कर लेंगे हम फिलहाल चलो चलते हैं और यहाँ मेरे स्टॉक मैं अरे स्टॉक मैं मेरे घर में लिविंग रूम में आज कोई नहीं छिपा हुआ अजीब बात है किचन वाले एरिया में भी कोई नहीं छिपा हुआ ये भी अजीब बात ही है समझ नहीं आ रहा आजकल लोग छिपका रहे हैं ओ भाई इतना बड़ा बर्गर इतना बड़ा बर्गर तो अपने हल्को खाना पसंद है और कहीं ऐसा ही तो नहीं है इस बर्गर के आसपास हल्क छिपा हो हल्क भाई जल्दी बर्गर खा ले जिससे कि मैं तेरे को देख पाऊँ मुझे पता है तो यहीं कहीं छिपा हुआ है हल्क बच्चू पर तू है कहाँ पर मुझे दिख भी तो नहीं रहा है अभी तो मेरे को कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा ये लोग ऐसे नहीं दिखेंगे पड़ोसी घर वर्त पे जाके अरे ओ भाई हल्क बिल्कुल मेरे पैरों में था वट गाइज हमने हल्क को ढूंढ लिया गाइज कितने लोगों ने फ्रैंकली बिल्कुल सच बताना ठीक है कितने लोगों ने हल्क को मुझसे पहले देख लिया था जल्दी से कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिख दीजिए मैं उसका कमेंट ज़रूर लाइक करूंगा प्लीज़ और बाकी चलो हम जल्दी से चलते हैं यहाँ पर एक बार अपने पड़ोसी के घर को भी चेक कर लें क्या नहीं नहीं वैसे आज मैंने धमकी दी थी लोगों को मेरे पड़ोसी घर छिपना मत तो छिपेंगे नहीं छिपेंगे ना भाई डायरेक्ट एलिमिनेट कर दूंगा मैं लेटर में मानूंगा ही नहीं मैं बाकी यार पता नहीं और लोग छिपे पड़े हैं ये ओ भाई सब यहाँ से तो घर में गिरा तो सीधा नीचे रोड पर जाकर कर हेट करूंगा अरे 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 नहीं 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 अरे जो सोचा भाई हो गया भाई बच गया फिर भी चलो यहाँ पे ब्लॉक ने बचा लिया मुझे एक ने एक मिनट ये क्या पूरा रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है ये क्या मजाक है कुछ तो गड़बड़ है कहीं गाइस इसके पीछे ऑल फादर गॉड का हाथ तो नहीं है मतलब ऐसा तो नहीं है ऑल फादर गॉड छिपा पड़ा हो हम्म हो सकता है कितने लोगों को लगता है प्लीज़ कमेंट में यस yes लिखिएगा और कितने लोगों को नहीं लगता है ऐसा तो कमेंट में नो लिखिएगा ऐसे इतना आसान नहीं है ऑल फादर गॉड ऐसी कहीं छिप जाए मुझे कोई चीज़ लानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए फिलहाल एक काम करता हूँ मैं घर के अंदर ही चलता हूँ अपने लिविंग रूम में आ गया हूँ मैं दोस्तों इधर मस्त अपना सोफे वोफे रखे हैं यहाँ से हम अपना नाइट व्यू लेते हैं देखिए हमारा टेलीस्कोप भी है और यहाँ पर कुछ बुक्स भी रखी है मेरी लाइब्रेरी तो वैसे राइट साइड है और यहाँ पर ये मेरा टीवी का एरिया है एक इकनोटी है कमेंट है बेबी वैनम छिपा हुआ है कार वाले वुडन बोर्ड में अच्छा सच में क्या काइस बेबी वैनम छिपा हुआ है तो प्लीज कमेंट में लिखिए आपने अगर देखा है तो भी यस लिखिएगा उससे मेरी हेल्प हो जाएगी जल्दी चलते हैं भाग जाए यार बीस मिनट ही बचे हैं चलो 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 जल्दी बेबी बचेम जी अरे अरे फ्रेंकलिन भैया यार ढूंढ लिया मेरे लेट्स गो हमने पर ढूंढ लिया बेबी वैनम को ये हुई ना कुछ बात अब देखो वाइस बीस मिनट बचने ठीक है बीस मिनट में मुझे अभी भी काफी लोगों को ढूंढना है ये कोई जल्दबाजी नहीं करनी मुझे सबसे पहले तो भाई इसको हटाओ ये मेरा व्यू ब्लॉक कर रही है ये टीन के डब्बे जो है मेरा टीन के डब्बे नहीं टीम के बड़े बड़े स्क्रैप्स बाकी मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है अब जल्दी चलता है तो गाइस देखो अपने ओ साहब ये क्या मजाक है लकड़ी का एक और बोर्ड और ये भी अभी मुझे जस्ट लगा था ये एलिमेंटल बॉक्स है बट नहीं ये एलिमेंटल बॉक्स नहीं ये है ये धोखा हा। है हाँ और कोई कार वार नहीं है बट कार नहीं है तो उसके पीछे इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना हो कोई तो छिपा होगा मेरी वॉल को ब्लॉक किया गया है दैट्स मीन कोई वॉल के आसपास छिपा हुआ है बट कैसे जाऊं मैं इसके ऊपर ही काफ़ी चिकना भी है स्लिपरी भी है मेरे हाथ भी नहीं देख रहे हो गाइ चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो नीचे गिर जा रहा हूं मैं कौन हो सकता है इसके पीछे गनमैन अरे नहीं गनमैन तो हमने ढूंढ लिया गाइज इसके पीछे अगर आपको कोई लग रहा है कोई है मैं देखो इधर से आपको कैमरा करके दिखा देता हूँ तो प्लीज़ कॉमेंट में यस जो लिखिएगा और उसका नाम भी लिखिएगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी इसके पीछे कौन हो सकता है पिंचन होगा क्या या फिर गनमैन तो पकड़ लिया था कैमरा नहीं नहीं पता नहीं गाइज आई डोंट नो बट जो भी छिपा हुआ है मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर मुझे बताएंगे कमेंट में चलो फिलहाल हम इधर साइड चल लेते हैं और मैं कह रहा था गाई इसके यहाँ पर तो तुमने पकड़ लिया तो ये बर्गर किस काम का ये बर्गर को हटा देते हैं तो भाई हमारी डिस्ट्रक्शन दूर हो जाएगी बाकी ये देखिए और आजकल मेरे मतलब जो मोहल्ला एक तरह का लाइक हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर काफी नए नए घर बन गए हैं मैं जानता पहचानता भी नहीं हूँ ठीक से मतलब चलो कोई बात नहीं है कभी वहां का भी टू ट्रिप ले लेंगे फिलहाल तो यहाँ पर हमें जाके एक मिनट भाई कैमरा मैन तू तो यहाँ छिपा हुआ कितने लोगों ने कैमरा मैन को यहाँ पर मुझसे पहले देखा था प्लीज कमेंट में बताइए यस लिखिए या कुछ भी गाइस यार क्या मजाक चल रहा है भाई बंदे मेरी आंखों के सामने छिप पड़े मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं मुझे पता ही नहीं है अब निकले यहाँ से कैमरा मैन के बच्चे गाइस चलो बढ़िया हमने कैमरा मैन को ढूंढ लिया और मेरे पास अठारह मिनट है यार टाइम थोड़ा स्लो नहीं जा सकता को ज़्यादा ही स्पीड में जा रहा है गाइज़ यहाँ पे देखिए 12 मिनट से ज़्यादा निकल चुके हैं बारह नहीं अब तो साढ़े बारह हो गए अब चलो पड़ोसी घर के भी राउंड ले ही लेते हैं क्या पता अल्फादर पताफागौ यहीं कहीं छिपा हो अल्फादर वफादरगौड़ को जगह बहुत अच्छी है छिपने के लिए बट नहीं गाइज़ वफादरगौड़ का तो कोई नाम निशान भी नहीं है इधर और यहाँ पर भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है लिटरली मैं भी कि लोग भाई ऐसे नॉर्मली सिंपली जगह छिपड़े हैं बाकी यार ये सीमेंट की ब्रिक्स हटाओ ये ईंटें हटाओ मुझे जहाँ तक लगता है भाई कुछ तो घोटाला है मतलब हो सकता है कोई छिपा पड़ा हो चलो इधर चलते हैं हल्लव वही इधर से देखिए थोड़ा सा एक गैप दिख रहा है बट यार मैं इतना पतला नहीं हुआ है यहाँ से चला जाऊँ अगर सिंचन होता है पिंचैन में से कोई होता तो आराम से जा पाता है यहाँ से बट पिंचन तो खुद अभी जायंट बन गया है ये तो है कोई बात नहीं है अब गाइज यहाँ पर या तो मुझे कुछ ग्रेनेड विनेड मिल जाए तो मैं यहाँ पर इस वाले जगह को पूरी तरह से ब्लास्ट व्लास्ट करके ही देख पाऊँगा कौन छिपा हुआ है चौ भाई हल्लव अरे चॉप कहाँ पर है अजीब बात है अपने घर में है ही नहीं खैर छोड़ो एक मिनट गाइज कमेंट आया कमेंट पढ़ कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है एट सन गॉड रिवेंजर कार वाले वुडन बोर्ड्स के छिपा है बालकनी में अच्छा सच में क्या गाइस अगर ऐसा है तो प्लीज जल्दी कमेंट में यस लिख दीजिए मैं चाह रहा हूं अभी ये वाली बालकनी थी ना ये, 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 ये सन गॉड रिवेंजर जी और कैसा ढूंढिया तू तूने मुझे अरे मेरे दोस्तों ने मदद की आपको ढूंढने में मुझे यहाँ इतनी आसानी से नहीं ढूंढ लिया मैंने आपको चलो अब टाटा बाय बाय सी यू कर देते हैं आपको वन टू थ्री लेट्स गो चलो बढ़िया गाइस अभी देखो यहाँ पे आधा गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका है मतलब पंद्रह मिनट समथिंग बचे हैं हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा लिटरली में टाइम बहुत जल्दी जा रहा है यार ऐसे तो दिक्कत ही हो जाएगी अब क्या करूँ मैं ये बड़ी सी जो लाइक ये पूरा का पूरा एक वो बना पड़ा है ना भाई यहाँ पे बड़ा सा लाइक बोर्ड है इतने बड़े बड़े इनको भी हटाना पड़ेगा और ये बर्गर भी किसी तरह से हट जाए तो भी मेरा फ़ायदा हो सकता है और ग्रासेस भी थोड़े से कट हो जाएं तो भी फायदा हो सकता है बाकी यार और लोग कहाँ छिपे हुए हैं और ये भाई ऑल फादर गॉड कहाँ होगा दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही है दोस्तों लिटरली मैं और बाकी कौन करता हूँ और भी रॉकेट ले आया हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना इसको तोड़ने फोड़ने के लिए बट ये तोड़ने फोड़ने से छोड़ो यार यहाँ पर हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है मुझे हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर मिल जाए तो बात बन सकती है और बाकी यहाँ पर एक क्रेन मशीन मिल जाए तो ये बर्गर भी हटा दूंगा मैं यहाँ से क्योंकि हल्क तो है नहीं बर्गर का फ़ायदा क्या मैं सोच रहा था हल्क था तो हल्क खा लेगा बर्गर को बट को तो हमने पहले ही गायब कर दिया यहाँ पर क्या करें इधर चलें क्या चलो इधर से चलता है और रोड साइड से हम अंदर घुसने की कोशिश करेंगे भाई और बापरे हेड में चोट लगवा ली मैंने अपने ओके यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ इस व्यू पूरी तरह से ब्लॉक है बट कोई भी इसकी वीक साइड जरूर होगी हम उस वीक साइड को तोड़ फोड़ के अंदर घुस जाएंगे कौन छिपा होगा इसमें और इसमें थ्री हड्रेड ब्लैक फ्रेंकलिन तो नहीं है यार रेड जायंट शी हल्क हो सकता है वैसे पिंचैन भी जायंट है दोस्तों हो सकता है पिंचैनी छिपा हुआ हो इसमें है ना यार कुछ भी हो सकता है बट मैं करूं कैसे इसको हटाऊं कैसे बोर्ड को हट जा भाई क्यों परेशान कर रहा है मुझे ओ भाई मेरा ऑरपी जी रॉकेट देखियो कैसे मतलब जा तो रहा है पर पूरी तरह से इलेक्ट्रली में मैं इसको तोड़ फोड़ नहीं पा रहा हूं कोई तो जगह होगी अंदर घुसने की कमौन फ्रैंकलिन कुछ तो सोच अब तो गाइज देखो हम ऊपर से ही जा सकते हैं क्योंकि मैंने पूरे जितने भी नुस्खे थे सारे इस्तेमाल कर लिए ये टूटने फूटने का काम और टैंक भाई मेरे हिसाब से लगता है यहाँ पर जो मेरे पड़ोसी मिलिट्री में है ना अंकल वो पक्का इस टैंक को लेके आ गए होंगे भाई ये टैंक आराम से उस बड़ी सी दीवार को चट्टान को तोड़ फोड़ देगा चलो 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 चलते हैं गाइस देखो यार मैंने अपना तीन चार मिनट यहीं पर बात कर दिया मेरे पास बारह मिनट ही बचे हैं यार मिलट्री में मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा कमॉन ओ भाई

बाकी मुझे ऐसा शक हो रहा है मेरा एलिमेंटल बॉक्स पे भी तो कोई छिपा हुआ नहीं है हेलो अक्सर छिपते हैं लोग हैं ना दोस्तों आपने भी देखा होगा पहले बट शायद आज कोई छिपा हुआ नहीं है चलो बैड लक यार ये पिंचन का बच्चा कहाँ चला गया दोस्तों आपको बाकी कोई दिखा हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा बाकी चलो मैं नीचे चलता हूँ एडवर्टाइज कॉमेंट आया है कॉमेंट पढ़ते हैं ताज़ा ताज़ा पता करते हैं कौन है थ्री हेडेड बर्गर मैन बर्गर में छिपा हुआ है क्या सच में अरे हाँ बर्गर मैन मी तो गेम खेल रहा था यार मैं भूल गया था भाई वैसे बर्गर का नाम रही थी तो भूख लगाई मुझे यार मन तो कर रहा है टेस्टी बर्गर खा जाऊ पर टाइम नहीं है अबे अब फ्रैंकलिन के बच्चे तू तो बचेगा नहीं बेटा दस मिनट बचा बचे किसके से तो ढूंढेगा अरे पहले तो तू निकल भाई तुझे तो ढूंढ लिया ना मैंने बड़ा है मुझे धमकी देने वाला हाँ चलो भाईस यहां पर देखो दस मिनट बचे हैं और देखो अब एक हम थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं मैं किसके से ढूंढा एक तो ढूंढना है मैं जॉइंट रेड शीहल को ठीक है एक जॉइंट पिंचन को ढूंढना है मैं ठीक है ऑल फादर गॉड को ढूंढना है टोनी स्टाक को ढूंढना है और शायद टोनी स्टाक का कोई सूट और और और, और कौन है मेरे हिसाब से तो चार पांच बंदे तो मैंने खुद ही काउंट कर लिए और कोई भी होगा तो मतलब उसको भी हम ढूंढ ही लेंगे फिलहाल मैं मेरे घर में आ चुका हूँ यहाँ पर मुझे कोई दिख नहीं रहा है ना मेरे किचन में है ना चिमनी में ना डाइनिंग एरिया में ना ही लैंप के ऊपर ना वॉल में अजीब बात है यार ये लोग कहाँ छिप गए कैसे छिप गए समझ नहीं आ रहा है बट इनको ढूंढ के रहूँगा और ये थौ भी तो था और भाई थ्री था है ना है ना ना वो कहाँ छिपा हुआ है गाइस समझ ही नहीं आ रहा भाई और यार ये इस बार थ्री डी में नहीं लग रही है स्माइल पहले मतलब एकदम फ्लैट थी जैसे कि ये बोर्ड है फ्लैट है ना अजीब है गाइस मुझे तो लगता है कोई छिपा हुआ है इस बोर्ड के नीचे आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा देखो यहाँ से औरे, औरे, कुछ तो दिखा कुछ तो दिखा, दिखा। देखो कुछ तो रंग बिरंगा सा कुछ कलरफुल सा दिख रहा है रंग बिरंगा फादर फादर गॉड गॉड तो नहीं है अंदर तो बट क्या फादर गॉड को ढूंढूँ कैसे भाई ये तो मुसीबत है दोस्तों तो इतना बड़ा है वो ऐसे कैसे ढूंढ लेंगे हम उसको मेरी कार के अंदर कोई है नहीं कोई नहीं है फालतू तो मैं डैमेज कर रहा हूँ मैं अपनी कार को यार यार ये पाम ट्रीज वाम ट्रीज पे या फिर ये जो लाइट के खंबे हैं बड़े बड़े इनमें कोई छिपा हो नहीं कोई भी नहीं है अजीब बात है गाइस अब मैं इनको कैसे ढूंढूं कहाँ ढूंढूं वो समझ नहीं आ रहा है लिटरी में एक मिनट का इस कॉमेंट आया कमेंट में लिखा है टोनी स्टाक मेरे डाइनिंग एरिया के पास छिपा हुआ है डाइनिंग टेबल पर अच्छा टोनी स्टाक देखा था क्या गाइज आपने भी कॉमेंटा दी डाइनिंग टेबल तो एरिया और वो रहा भाई लो कैसे वॉल में अपने आप को फिट करके मस्त बैठा है अब फ्रैंकलिन फ्रेंकल कोई फायदा नहीं है तूने मुझे भी ढूंढ लिया अभी भी कम से कम पांच लोग रहेंगे उनका कैसे ढूंढेगा पांच अरे पांच कैसे भाई देखो एक तो पिंजन है ठीक है जॉइंट वाला एक है वलफादर वॉर्ड दो हो गए एक है थॉर तीन हो गए और और कौन है और एक एक, एक जाइंट रेड शील क्या ठीक है चार एक बंदा कौन है किसके बारे में भूल रहा हूँ मैं गाइस ओ भाई किसके बारे में भूल रहा हूँ मैं गाइस तो कोई भूलना दिक्कत कर देगा अगर हमें पता ही नहीं होगा हमें ढूंढना कैसे? को तो हम ढूंढेंगे कैसे यार ये बर्गर वर्गर में तो कोई नहीं है नहीं भाई कोई नहीं है अजीब बात है और भी मैंने कर लिया था भाई अजीब बात है कहा है कौन है है भाई यार मिनट बचे हैं और पैनिक सा हो रहा रहा टोनी बता रहा था मुझे टोटल पांच बंदे ढूंढे हैं पांच बंदे मतलब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है एक डेढ़ मिनट में एक बंदा भी ढूंढूंगा ना तो भी हार ही जाऊंगा इसलिए मुझे अप्रॉक्स एक मिनट या सवा मिनट के अंदर ही डेढ़ नहीं सवा मिनट के अंदर ही एक बंदे को ढूंढना पड़ेगा तब जाके मैं जीत पाऊंगा अरे 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 भाई यहाँ कौन है यार मैं तो पड़ोसी के घर पे आ गया हूं अरे

थौर चौथा बंदा कौन हो सकता है हम्म hmm, किसके बारे में भूल रहा हूं मैं चॉप नहीं चॉप तो गेम ही नहीं खेल रहा था तो कौन अरे गाइस छोड़ो यार यही सोचता रहूँगा ना मैं पूरा टाइम निकल जाएगा देखो वैसे ही पाँच मिनट बची है और ये चार बंदे हैं कहाँ स्विमिंग पूल में तो कोई है ना ही आपके माइंड में कोई हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा आप चाहें तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं जब लास्ट जो शुरुआत में हम चेक कर रहे थे ना कौन कौन खेल रहा है गेम तो वहाँ पर भी आपको कोई दिख सकता है यार दद्दू बद्दू हल्क तो नहीं है हैं दोस्तों Hmm, दद्दू हल्क में जैसे रेड दद्दू हल्को ब्लू दद्दू हल्को काफी लोग होते हैं यार ये या एलिमेंटल बॉक्स में कोई नहीं छिपा क्या कोई छिपा है क्या भाई कोई तो दिख जाओ मुझे एक मिनट दोस्तों कमेंट आया है कमेंट है जायंट पिंचन मेरे गैराज के पास जो बोर्ड है और सीमेंट की ब्रेक से उनके अंदर छिपा हुआ है अच्छा गैराज के पास तो बोर्ड ही है इसको हटाता हूँ मैं ओके बोर्ड तो हट गया है एही। एही ये किसने ढूंढ लिया मुझे ओके है अरे दोस्तों यार मैं तो सोच रहा था ये अल्फादर गोड होगा पर ये तो परिचैन निकला चलो अच्छा ये कोई तो निकला गाइस बढ़िया यार आपकी आंखें तो बड़ी तेज है तुर्र एकदम तर्रार मस्त ढूंढ लेते हो इनको बाकी गैराज में भी तो कोई हो सकता है नहीं गैराज में आई थिंक मैं चला गया था या नहीं गया था दोस्तों आप बताओ कमेंट में ये सी नो लिख के बताइए गैराज में मैंने देख लिया क्या या नहीं देखा क्योंकि देखो मैं दोबारा जाऊंगा फालतू तो में टाइम वेस्ट होगा क्या करें जॉय नहीं जाए चलो देख ही लेते हैं खुल जाओ सिम जा मेरे गैराज दिखा दे भाई कोई तो छिपा होगा तेरे अंदर कोने 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 और हॉलक बोस्टर अच्छा इसके बारे में भूला पड़ा था मैं निकल यहां से हॉलक बोस्टर के बच्चे ऑल राइट गाइज अभी देखो हमारा विजन एकदम क्लियर है अब देखो कौन कौन हमें ढूंढना है एक थौर को ढूंढना है बिल्कुल ऑल फादर गॉड को ढूंढना है बिल्कुल और किसको ढूंढना है दो ही तो बंदे हैं हाँ I think दो ही बंदे हैं गाइज बट ये दो बंदे भी भाई बैंड बजा देंगे मेरी दो हैं दो बंदे ढूंढने पर हैं पर है क्या नहीं गाइज यहाँ नहीं है अरे ये किसने मारा मेरे को यहाँ पर ट्रैप किसने लगाया डैम पर मैं यहां पर असल में गायस ऑल फादर गॉड को देखने आया था क्योंकि ऑल फादर गॉड बहुत बड़ा है बट ये ऑल फादर गॉड ओ रे रे ऑल फादर गॉड कहीं यहीं तो नीचे गॉइज देखिए मुझे कुछ दिखा रंग बिरंगा सा आपको भी लगता है ये फादर है तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दो यस यस कर दो और नहीं लगता तो नो नो लिख दो पता चल जाएगा यहाँ पर ये फादर है नहीं बाकी मैं शूट करके देखता हूँ हार मानता हूँ ऐसे कैसे हार निकले लेट्स गो भाई, लेट्स गो। हमने को भी ढूंढ लिया टोनी देखा भाई हमने कर दिखाया लेकिन एक मिनट मैं खुश की हो रहा हूं अभी मेरे पास एक मिनट बची है और एक बंदा और ढूंढना है जो कि है भाई साफ साफ है इस थ्री एडिट थॉ है वो पक्का है ना दोस्तों आप भी इस बारे में अगर श्योर हैं कि वो थ्री एडिट थॉर ही है तो प्लीज़ कमेंट में जल्दी इसे लिखेगा बट वो है कहाँ पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कहीं यार वो ऐसा ना हो मेरे घर के इधर वैसे तो मेरा फायदा ही है अगर वो मेरे घर के अंदर नहीं हुआ सोचो गाइस घर से दूर किसी पड़ोसी घर छुपा हुआ तो तो ऑटोमेटिकला एलिमिनेट हो जाएगा और मैं जीत ही जाऊँगा बट वट इफ वो मेरे घर के अंदर ही छुपा हुआ तो ये तो मुसीबत हो जाएगी तीस पैंतीस सेकंड बची है गाइस अगर आपको थौर कहीं भी दिखाओ तो प्लीज़ बताना बाकी मैं इधर जाता हूँ

भाई लास्ट टाइम पर जाके मैंने थोर को बूम कर डाला अरे वाह भाई गाइस यहाँ पर देखिए जायंट जी हल्क ब्लैक फ्रेंकलिन एक मिनट ये सब कर क्या रहे हैं यहाँ पे ऐसे बेहोश से क्यों ओ भाई जानवरों को हमला डायरेक्ट इन पे कर दिया मैं तो सोच रहा था ये पोर्टल से शायद यहाँ से टेलीपोर्ट होंगे जंगल में जाएंगे पढ़ भाई मेरा घर ही जंगल बन गया इनसे तो और भाई कैसे मजे आ फ्रैंकलिन प्लीज हमें बचा ले ये जंगली जानवर हमें अपना खाना बना रहे हैं चलो सही है तुम तो जैसे पापी लोगों से किसी का तो पेट भरेगा खैर छोड़ो गाइस यहाँ पर हम अपना गिफ्ट एंजॉय करने चलते हैं ना क्या बोलते हो इस गोल्ड हाउस गोल्डन हाउस लें या फिर डायमंड चलती कॉमेंट पर लिखिए गोल्डन लेते हैं भाई बहुत चमक रहा है ओ भाई ये तो और भी बढ़िया हो गया मुझे कोई नया घर नहीं मिला बोट मेरा जो पुराना घर है वो पूरी तरह से एकदम नया बन चुका है एकदम तब्दील हो गया है नए घर में क्या खूबसूरत लग रहा है गाइस अगर आप मेरे इस खूबसूरत से नए घर का टूर लेना चाहते हैं तो कमेंट में किस बात का वेट कर रहे हो जल्दी से पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू स्पैम कर दो और हां ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिएगा बहुत मजा आएंगे थैंक यू सो मच हे